कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज देखिए मैं क्या लेकर के आई हूँ आपके लिए। आज मैं लेकर के आई हूँ सरसों की भाजी। तो आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में सरसों का साग, और इसकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो दो गड्डी मैंने भाजी ली है, और ये देखिए मार्केट का ही है भाजी। तो देखिए मैंने इसको 4 से 5 पानी से धो दिया है, और धोने के बाद अब हम इसको बॉईल करेंगे। तो इसको आप अच्छे से धो लें, क्योंकि हम जो है इसको निकाल करके निचोड़ेंगे नहीं, जैसे हम बथुआ का साग या कभी सरसों का जो भाजी बनाते हैं वैसे नहीं, तड़का लगा के वैसे नहीं इसको बनाना है। इसको हमें घोटना है इसी में, तो इसमें हम पानी डाल करके इसको बॉईल करेंगे। इसलिए इसको अच्छे से धोना है ताकि इसमें मिट्टी ना रहे, और मिट्टी अगर रह गई तो फिर करकर होता है। इससे अच्छा है आप इसको अच्छे से धो लें। तो मैंने इसको अच्छे से धुलाई कर लिया है, अब हम इसको बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। तो चलिए रख देते हैं बॉईल करने के लिए। तो ये देखिए मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास, छोटे गिलास से जो है भर करके पानी। सिर्फ हमको इतना ही पानी इसमें डालना है। और अब हम इंडक्शन को ऑन कर देते हैं, रुकिए स्विच ऑफ कर दूँ मैं। ये देखिए इंडक्शन को मैं ऑन कर रही हूँ, और ये देखिए अब हम इसको बॉईल होने देंगे। तो बॉईल हो जाए इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, चलिए। तो ये देखो किस तरीके से बॉईल हो गई है, एकदम मंदी आंच में मैंने इसको बॉईल किया है। शाम को 4 बजे मैंने इसको रख दिया था बॉईल करने के लिए, और 6 से 7 बज गया है, पानी कम हो गया था। तो जब भी हमको इसमें पानी डालना है दोबारा से, तो गर्म करके ही डालना है, वरना ये जो है ना पत्ते उसके करकरे हो जाते हैं। और ये देखिए बॉईल हो गई है, मैं इसको उतार लेती हूँ क्योंकि अभी घोटना है इसको। तो ये देखिए बाहर नीचे उतार लिया है मैंने, तो गर्मा गर्म ही हम इसको घोटेंगे। तो अगर किसी के पास दाल घोटनी है तो उससे घोटे, और मेरे पास दाल घोटनी नहीं है। और देख लीजिए आप इस तरीके का हो गई है, मतलब बॉईल हो करके ये, अभी मैंने इसको एक बार भी नहीं घोटा है। तो चलिए मेरे पास है ये खल्लर में जो मूसल आता है वो, तो अब हम इसी की हेल्प से जो है इसको घोटेंगे। तो इससे भी बहुत अच्छा, क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है उसकी तली जो है फ्लैट है, तो उसको घोटने में ज़्यादा हेल्प मतलब करेगा ये, क्योंकि फ्लैट चीज़ों पर ज़्यादा चलता है ये। तो अच्छी तरीके से मैं इसको घोट लेती हूँ। तो आपको इसी तरीके से बनाना है, और ये बहुत ही टेस्टी होती है। और किस किस को पसंद है ये खाना कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और पौष्टिक होती है बॉडी के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं घोट लूँगी, और आप मेरी माने तो इसको कुकर में बॉयल नहीं करें, इसको मंदी आँच में हल्का ढक कर के ही पकाएँ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने सरसों का जो साग था उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से घोट लिया है, और ये कुछ इस तरीके का हो गया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए मैंने इसको घोट लिया है, और काफ़ी टाइम इसमें लगा है घोटने में। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, जैसी आपको पसंद हो। ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है तो कम डाल लें। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, देखिए नमक मैं डाल लेती हूँ 1/2 चम्मच। और नमक डालने के बाद हम इसको करेंगे और बॉईल, ताकि ये जो लहसुन प्याज मतलब हरी मिर्च और नमक है ये अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए, और इसके बाद एक बार और इसको घोटेंगे। तो मिलते हैं आपको ये मसाला पूरा अच्छे से तैयार हो जाए उसके बाद। तो ये देखिए तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया है, ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला हुआ है। तो देखिए 3 हरी मिर्च जो लाल हो जाती हैं वो मैंने डाल दी हैं। इसके बाद हम इसमें काफ़ी ज़्यादा लहसुन, बहुत ज़्यादा प्याज और बहुत सारी हरी मिर्च इसमें डाल रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है ये अदर सब्ज़ी या भाजी के, तो क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हरी मिर्ची थोड़ी तीखी हो तो ये चटनी की तरह बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं मक्के की रोटी, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट मज़ेदार होगा। और इसी के साथ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और मेरा मक्के की रोटी बनाना ज़रूर देखिएगा, तो अभी मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में एंड तक, ताकि आप मैं किस तरीके से मक्के की रोटी बनाती हूँ, वो हमारे लिए एक मिशन होता है मक्के की रोटी बनाना, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, बट मैं अभी बहुत अच्छे तरीके से बना लेती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए तो ये देखिए मैंने टमाटर भी इसमें ऐड कर दिया है, अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है गलने तक पकाएंगे। और इसी के बाद हम डाल देंगे हल्का सा नमक, क्योंकि टमाटर हम जब भी ऐड करते हैं तो हल्का सा नमक डालना बनता है। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी,
आधा चम्मच, एक चम्मच आप डाल दीजिएगा हल्दी, तो उससे अच्छा कलर तो नहीं आएगा बट थोड़ा सा पीलापन आ जाएगा भाजी में, क्योंकि ये बॉईल की हुई है भाजी, साग जो है हमारी, तो एकदम येलो नहीं दिखेगी, ग्रीनिश ही दिखेगी। तो ये देखिए टमाटर हमारा पकने लगा है, अब हम इसमें पलट देंगे हमारी जो घोटी हुई भाजी है उसको। तो ये देखिए तड़का हमारा कितना बेहतरीन बन करके हो गया है तैयार। तो अब हम इसमें डालेंगे जो भाजी हमने घोट ली है अच्छे तरीके, जो साग हमारा बन गया है उसको अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। जब मैं पटियाला में थी तो हम लोग इसको कई बार बना करके खाते थे, बहुत टेस्टी लगता था ये, मैंने वहीं पर बनाना सीखा हुआ है जब हम लोग पटियाला में थे तब। और अब देखिए ये मेरे को पहले बनाना नहीं आता था, जब हम पटियाला में रहे तो कई पंजाबी लोग मेरे साथ थे तो उनके साथ में मैंने ये बनाना सीखा हुआ है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है और लाजवाब भाजी हमारी जो है बन करके, सरसों का साग जो है बन करके तैयार है। तो किस किस को पसंद है कमेंट करके बताइएगा। और चलिए मक्के की रोटी बनाना करते हैं स्टार्ट। तो देखिए मक्के की एक रोटी बना करके मैंने तवे पे डाल दी है ताकि वो अच्छे तरीके से सिक जाए, क्योंकि गैस पे मंदी आंच में सेकते हैं फिर भी इतनी ज़्यादा चूल्हे की तरह अच्छी नहीं सिकती है, फिर भी बहुत मंदी आंच पे सेकेंगे तो चूल्हे की तरह ही बनती है। और ये देखिए मैं सेकेंड रोटी बना रही हूँ, और ये रोटियाँ बनाना मुझे है बहुत ज़्यादा पसंद और बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको बनाती हूँ, मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बना पाती हूँ बट खाने की ज़रूरत के हिसाब से मैं इसको अच्छे तरीके से बना लेती हूँ। ये देखिए मक्के की रोटी, और किस किस को बनाना आता है मक्के की रोटी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हर किसी को बनाना नहीं आता है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और मतलब इसको हर कोई नहीं बना पाता है। तो हमारे घर में मेरे को आती है, मेरी मम्मी बहुत बड़ी बड़ी बनाती हैं और मेरी दादी भी, तो क्योंकि पुराने लोग तो खाते ही थे बट हम लोगों के लिए एक रेसिपी बन गई है, और पुराने लोगों के लिए खाना था बट हम लोग आज रेसिपी के तौर पर इसको खाते हैं। और ये पचने में बहुत अच्छी होती है, और जिनको आँतों की प्रॉब्लम है या आँतों में किसी तरीके का ट्यूमर है या गैस्ट्रिक अल्सर है किसी को, तो वो लोग इसको खाएं, ये पचने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आज मैं इसीलिए बना रही हूँ, और नॉर्मली ये भुर्रे की और इसकी रोटियाँ खाएं अगर इसको किसी को पेट की प्रॉब्लम है तो, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती हैं और पचने भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ये देखिए मैं जो फर्स्ट रोटी है उसको पलट लेती हूँ। तो ये देखिए वो सेकंड रोटी भी हमारी बन करके हो गई है तैयार, क्योंकि मैं छोटी छोटी ही बनाती हूँ और पानी लगा लगा के मैं इनको बना रही हूँ देखिए। और वैसे अच्छी बन रही थी और बहुत अच्छी बनी हुई थी, सभी लोगों को बहुत पसंद आई और बच्चों ने भी खूब मज़े ले करके इनको खाया। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए सेकंड रोटी भी मैंने डाल दी है तवे पर, और अब हम इस तरीके से जो है लोइयां बना करके रख लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी बन जाएगी, ताकि खाने वाले को भी मज़ा आए। तो बस इस तरीके से मैं बना लेती हूँ मक्के की रोटी, और काफ़ी टाइम इनमें लगता है बनाने में, लेकिन बना करके खाने में इतना सुकून है कि जब आज के ज़माने में हम लोग इन चीज़ों को खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, तो हमें भी लगता है कि हमारे बुज़ुर्ग लोग बहुत अच्छी चीज़ छोड़ करके हम लोगों के लिए गए हैं। और देखिएगा धीरे धीरे करके ये हमारे रूटीन में आ जाएगा, क्योंकि आजकल पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई हैं एसिडिटी वगैरह की, तो धीरे धीरे लोग इसको अपनाने लगेंगे देखिएगा, क्योंकि जो यूरिया वगैरह का जो गेहूं है
वो हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो धीरे धीरे करके कई लोग डायबिटीज़ वाले लोग ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए हमारा सीख गई है रोटी, और मैं थोड़ी सी हल्के से कपड़े की हेल्प से थोड़ा सा सेक लेती हूँ इसको, क्योंकि अच्छे से सेकना इसको ज़रूरी होता है, वरना ये पेट तो ठीक नहीं करेगी, पेट को गड़बड़ और कर देगी, तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से सेक रही हूँ। और ये देखिए थाली में दूसरी रोटी भी हमारी बन करके हो गई है तैयार। तो अब हम इस पे डालते हैं अच्छे से घी, तो घी लगा करके हम लोग इसको खाएंगे, या आप बटर भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास घी है अभी तो मैं घी लगा रही हूँ। तो घी लगाने के बाद में तो चलिए आप लोगों के लिए है थाली सबसे पहले तैयार, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने सरसों का साग और मक्के की रोटी बना ली है, और घी देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए डाला है और पिघलने वाला है। तो देखिए दोनों रोटियों में लगा देते हैं घी, और ये देखिए घी की रोटी बिल्कुल तैयार है मक्के की, और देखिए सरसों का साग कैसे दिख रहा है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर करती हूँ एंड, और आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय। तो देखिए आप लोगों की थाली कुछ इस तरीके से तैयार हुई थी, और ये देखिए कितने प्यारी टेस्टी और लग रहा है, किस किस के मुँह में आ रहा है पानी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए मैं आपको एक बाइट जो है तोड़ करके लगा करके बताती हूँ कि साग हमारा चटपटा सा बन करके है तैयार, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा हरी मिर्च और लहसुन डाली है, तो टेस्ट तो बहुत अच्छा आने वाला है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से है तैयार, सबसे पहला बाइट आप लोगों का है, और टेस्ट करके बताइएगा कैसी लगी है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।